नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड फंक्शनल टेस्ट के बारे में। थायराइड फंक्शनल टेस्ट ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड की जांच की जाती है। इस ब्लड टेस्ट में बेसिकली तीन चीज़ें देखी जाती हैं, TSH, T3 और T4। तो क्या होता है ये थायराइड ग्लैंड और TSH, T3, T4, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड ये एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होता है, हमारे एडम्स एप्पल के नीचे और कॉलर बोन के ऊपर, यानी कि इस जगह पे एक बटरफ्लाई शेप का यानी कि एक तितली के आकार का ये एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का जो मेन काम होता है वो होता है हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये जो ग्लैंड है ये हमारे खाने में जो आयोडीन होता है उसको लेता है और उसकी मदद से ये हार्मोन्स बनाता है जिसे हम कहते हैं T3 और T4। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो जनरल मेटाबॉलिज्म है ये उसको रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हम जो भी खाते हैं, हम जो भी पीते हैं, आपको पता है हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो वो जो प्रोसेस होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो एनर्जी में बदलता है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4 ये हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनके लेवल्स ऊपर नीचे हो जाए यानी कि ये बहुत ज़्यादा बनने लगे या बहुत कम बनने लगे तो इसका सीधा जो इफेक्ट होगा वो हमारे मेटाबॉलिज्म में पड़ता है और फिर इससे हमारी पूरी जो बॉडी है वो इफेक्ट होती है। इससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आता है, हमारे ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, हार्ट रेट में चेंज आता है और यहाँ तक कि हमारे मूड में भी चेंज आता है। तो क्योंकि ये हार्मोन्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो इनको रेगुलेट करने के लिए भी हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है। तो इनको रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी ब्रेन में रहता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं TSH यानी कि थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड इन दोनों के बीच में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म और ये जो मैकेनिज्म होता है इसी से ही ये जो हार्मोन है T3 और T4 हार्मोन्स इनका जो प्रोडक्शन है, इसका जो लेवल है ये कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ TSH की रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि आपका ग्लैंड हाइपर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। अगर आपका ग्लैंड हाइपर एक्टिव है तो उसे कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, अगर आपका जो ग्लैंड है वो कम एक्टिव है तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थायराइड के ये दो टाइप की बीमारियां होती हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये सबसे कॉमन थायराइड की बीमारी है और ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। तो आपके डॉक्टर कब आपको बोलेंगे ये जो थायराइड टेस्ट है कराने के लिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन थायराइड की बीमारी होती है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब कि आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 बहुत कम बना रहा है। तो अगर आपके बॉडी में ये जो हार्मोन्स हैं ये कम रहेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो T3 और T4 होते हैं ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको रेगुलेट करते हैं। अगर ये कम बनेंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारी पूरी बॉडी स्लो होगी, यानी कि आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे आपका दिल धड़केगा, आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन हो जाएगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं इसकी शिकायत लेकर, तो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको हमेशा सबसे पहले एक थायराइड टेस्ट लिख के देते हैं, वो यही वजह होती है। आपके जो पीरियड्स हैं वो इसमें इरेगुलर हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी यानी कि आपको जो ठंड है वो बर्दाश्त नहीं होगी जिसे हम कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। इसके अलावा आपको इसमें डिप्रेशन जैसा लगेगा, आप बहुत थके थके लगेंगे क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो आप में को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी होगी इसमें, आपको कॉन्स्टिपेशन इसमें होगा। इसके अलावा आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत भी हो सकती है, यानी कि आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर बार बार मिसकैरेज हो रहा है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हमसे चेकअप कराने के लिए तो वो आपको एक थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर लिख कर देते हैं क्योंकि आपका जो थायराइड है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के पहले।
इसके अलावा आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ही ड्राई होगी, ड्राई स्किन हो जाती है इसमें। इसके अलावा कई लोगों में आप जो उनका उनकी जो वॉइस होती है उसमें भी चेंज देखे गए हैं, यानी कि आपका जो गला है वो आपको ऐसे लगेगा कि गला आपका बैठ गया है। तो ये भी लक्षण कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं। तो अगर ये कोई भी लक्षण आपके डॉक्टर आप में देखते हैं तो आपको फिर वो ये जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है ये कराने के लिए कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि इसमें जो आपका ग्लैंड है वो बहुत हाइपर एक्टिव है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आपकी बॉडी हर चीज़ में हाई हो जाएगी। तो इसमें आपका जो हार्ट रेट है वो भी हाई हो जाएगा, आपको पैल्पिटेशंस जैसा फील होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जिसे हम कहते हैं हीट इंटॉलरेंस। इसके अलावा आप कितना भी अच्छा खा लें लेकिन आपका वेट गेन नहीं होता है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बहुत फास्ट हो गया है आपका। इसमें भी आपको हेयर फॉल की शिकायत होगी, इसमें भी आपको इनफर्टिलिटी होगी, आपके जो पीरियड्स हैं पीरियड्स इररेगुलर होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नर्वसनेस लगेगी, आपको सोने में भी आपको परेशानी होगी और इसमें बहुत आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होते हैं, यानी कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा इसमें आएगा। इसमें आपके गले में स्वेलिंग हो सकती है जिसे हम गॉइटर कहते हैं, और इसमें आपके हाथ में ट्रेमर्स भी देखा गया है, यानी कि आपके हाथ जो है वो इस तरीके से हिलते रहेंगे जिसे हम शेकिंग हैंड कहते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे चलते हैं कि अगर आपको ये थायराइड की बीमारियां हो गई हैं, अगर आपकी रिपोर्ट्स में TSH की वैल्यू से पता चल गया है कि आपको हाइपर है कि हाइपो है, अब आपकी बीमारी डायग्नोज होगी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपको एक गोली देंगे जिसे हम कहते हैं लीवोथायरॉक्सिन। तो ये जो लीवोथायरॉक्सिन है ये यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेनी होती है और ये खाली पेट लेनी होती है, और फिर आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर फिर आपकी जो डोज है जो लीवोथायरॉक्सिन की डोज है फिर उसमें कुछ वो चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंट्रोल्ड रहता है लीवोथायरॉक्सिन जो टैबलेट है उसकी मदद से। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या ट्रीटमेंट है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो उनको कम करने के लिए आपको एंटी थायराइड जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं। तो ये जो होती है ये होती है कार्बिमेजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसके अलावा आपको बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो जो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई होती है ये वो होती हैं, क्योंकि इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में आपकी जो हार्ट बीट होती है जो आपकी हार्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेडिसिन से ही ठीक करने की कोशिश की जाती है अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, लेकिन अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं तो फिर जो थायराइड ग्लैंड है उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो उसके लिए आपको एक गोली खानी होती है जिसे कहा जाता है रेडियो एक्टिव आयोडाइड। जो रेडियो एक्टिव आयोडाइड जो होता है ये ओरली लेनी होती है, यानी कि इसको मुंह से लेना होता है, और ये जो आपका जो हाइपर एक्टिव ग्लैंड जो है जो थायराइड ग्लैंड है फिर ये उसको उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर आप इसमें भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी जो ग्लैंड है उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, यानी कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है जो ओवर एक्टिव हो गया है उसको सर्जिकली इसको रिमूव करना होता है। तो ये जो थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं ये कब कराना चाहिए, ये कौन से टाइम पे कराना चाहिए, और इसको कराने के पहले क्या क्या प्रिपरेशन लगती है, इसकी रिपोर्ट्स आप कैसे पढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आज के वीडियो को लेकर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही हेल्थ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियोज़ आते रहते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।